हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल टीचर्स पॉइंट विद आलोक सर. बेसिकली ये पर्टिकुलर जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जहां पर हम मिडविल इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और मिडविल इंडिया की अगर हम बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो टाइम है उसे हम मध्यकालीन भारत या मिडविल इंडिया के नाम से जानते हैं. और जहाँ पर अगर हम बात करें तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी, और इन दिल्ली सल्तनत में जो पांच डायनेस्टी थी इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. और दिल्ली सल्तनत पर जब अंतिम डायनेस्टी, जिसे हम लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश के नाम से जैसे जानते हैं, और लोधी वंश में जब इब्राहिम लोधी रूल कर रहा था, उसी समय पर भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ. और मुगलों का जो आक्रमण हुआ उसमें मुगल के जो संस्थापक हैं उन्हें बाबर के नाम से हम जानते हैं. तो आज की क्लास में हम बाबर की ऑटोबायोग्राफी और साथ ही साथ भारत पर जो भी बाबर ने अटैक किए उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक कर डिस्कशन करेंगे. तो चलिए हमारे साथ बने रहिए. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली बाबर का जो एक्चुअल नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है. और इनका जन्म 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन 1483 ईस्वी में फरगना नामक स्थान पर हुआ था. बेसिकली फरगना अगर हम बात करें तो उस समय टर्की का पार्ट हुआ करता था या तुर्क का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब जो फरगना है वो उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है. आगे अगर हम बात करें, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो खास तौर पे तैमूर के वंशज थे. यानी तैमूर की अगर हम बात करें तो तैमूर लंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और जिसने भारत पर अटैक किया था और अपार संपदा थी उसे लूटकर वापस कहाँ चला गया था, टर्की चला गया था. आगे अगर हम बात करें, इसकी जो माँ थी उनका नाम था कुतुब निगार बेग, और जो खास तौर पे चंगेज खान की वंशज मानी जाती हैं. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मुगल है, मुगल का मतलब होता है कि तुर्क प्लस मंगोलिया, ठीक है. यानी मंगोलिया प्लस तुर्क इज द सेंस मुगल. आप याद रख सकते हैं तो इस तरीके से कि एक कॉम्बिनेशन है किसका, मंगोलिया का. क्योंकि बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर में जीन्स उसके फादर और मदर दोनों के होंगे. जो फादर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तुर्की से बिलोंग करते थे. जो मदर थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, मंगोलिया से बिलोंग करती थी. तो मंगोलिया प्लस तुर्क इज द सेंस क्या हुआ आपका, मुगल हुआ, ठीक है. तो आगे अगर हम बात करें तो बेसिकली जो इनके फादर हुआ करते थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, 1494 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाने के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन बैठा, बाबर बैठा. और बाबर फरगना का शासक बना. और जिस समय इनके इसके पिता की डेथ हुई थी उस समय बाबर की जो उम्र थी वो लगभग 11 से 12 साल की थी. और इतनी छोटी उम्र में एक कह सकते हैं कि एक वंश की गद्दी पर बैठना या कह सकते हैं एक शासक बनना बाबर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम था. और बाबर ने कुछ समय तक फरगना पर रूल किया, और रूल करने के बाद 1494 से 1502 ईस्वी में इसमें समरकंद या टर्की पर कई बार आक्रमण किए. समरकंद और टर्की पर आक्रमण करने का इसका उद्देश्य जो हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो तैमूर था, तैमूर के समय में जो समरकंद थी वो उसकी कैपिटल हुआ करती थी. तो इसका उद्देश्य था कि वो समरकंद पर अपनी कैपिटल या राजधानी इस्टेब्लिश करना. और 1494 से 1502 ईस्वी के बीच इसने समरकंद पर कई बार आक्रमण किए और ये जीता भी. और कई कई बार इसने 100 दिन तक समरकंद पर रूल किया, और कहीं कहीं इसने 3 साल तक भी, या सॉरी 3 महीने तक भी समरकंद पर रूल किया. यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि 1494 से 1502 ईस्वी तक बाबर ने समरकंद पर कई बार अटैक किए और वहां पर शासन किया. आगे अगर हम बात करें, 1502 ईस्वी में बैटल ऑफ सरेपुल लड़ा गया जो बाबर और सैवानी खान के बीच था. और इस युद्ध के दौरान जो बाबर था वो हार गया, और हारने के बाद बाबर काबुल और कंधार की ओर बढ़ा. बेसिकली 1504 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक इसने काबुल और कंधार पर रूल किया, और उसने अपने आप को यहाँ पर स्टेबल माना और काबुल में अपनी जो कैपिटल थी उसे बनाया. और साथ ही साथ इसने 2 उपाधियां धारण की. इसे बादशाह या पातशाही की इसने उपाधि कहाँ पर ली थी, काबुल में ली थी. तो जब भी इसने काबुल और कंधार पर जो अटैक किया था और यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था उस समय इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो किसको बनाई थी, काबुल को बनाई थी. आगे अगर हम बात करें, जब इसने भारत पर फर्स्ट अटैक किया था 1519 ईस्वी में, तो वो किया था बाजौर
नामक स्थान पर। और बाजौर की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो उस समय पर बाउंड्री हुआ करती थी, उसे हम क्या बोलते थे? बाजौर। बाजौर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री के क्षेत्र पर स्थित एक राज्य था, और उस पर बाबर ने अटैक किया और जो बेरागढ़ का जो किला था उस पर अधिकार जमा लिया। जैसे ही बाजौर पर इसने अपना अधिकार जमाया, तब वो पंजाब की ओर बढ़ना चालू किया। और इसने, और कहा जाता है कि सबसे पहले तोप और बारूद या गोला या बारूद का जो सबसे पहले उपयोग किया था बाबर ने, वो इसी पर्टिकुलर युद्ध के दौरान किया था, जो बाजौर में लड़ा गया था 1519 ईस्वी को। जब वो पंजाब की ओर बढ़ा, तभी खास तौर पर जो लोधी डायनेस्टी के शासक, या कह सकते हैं लोधी डायनेस्टी के जो रूलर हुआ करते हैं, जिनका नाम था दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, इन लोगों को जब ये बात पता चली, तो इन्होंने बाबर के पास एक संदेश भेजा, और संदेश में इसने बाबर को भारत आने का न्योता दिया, क्योंकि इनका मानना था कि बाबर चंगेज़ खान या फिर अगर हम बात करें तैमूर लंग के समान ही है और एक टर्केस है, तो खास तौर पर ये भारत जो आ रहा है, उसका जो उद्देश्य होगा वो लूटपाट करना होगा। अगर हम इसकी सहायता करेंगे तो ये जब वापस तैमूर जाएगा, ठीक है, तो वो सारी जो भी लूटे हुए क्षेत्र हैं वो किसे दे जाएगा? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी को दे जाएगा। इसी के चलते इन्होंने बाबर को भारत में आने के लिए न्योता दिया, और कहा इन्हें कि इब्राहिम लोधी के पास काफ़ी धन संपदा है, उस पर आक्रमण करके आप उन धन संपदा को लूट सकते हैं। और इसी का मौका फ़ायदा उठाते हुए जो राणा सांगा है, उनने भी बाबर के साथ एक शर्त रखी कि वो उनका साथ देंगे। और इसके बाद 1520 से 1521 के बीच बाबर ने सिंध और कश्मीर पर लगभग 3 बार आक्रमण किए, और सिंध और कश्मीर को अपने आधिपत्य क्षेत्र में ले लिया। आगे अगर हम बात करें, जब बाबर का इब्राहिम लोधी के साथ पहला जो अटैक हुआ था, वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, और इस युद्ध के दौरान बाबर ने जो युद्ध नीति अपनाई थी, उस पर्टिकुलर युद्ध नीति को हम क्या बोलते हैं? तुगलमा युद्ध नीति। वो खास तौर पर हुआ क्या करता था कि उस समय बाबर ने जो प्लेस चुना था वो पानीपत नामक प्लेस चुना था, इसलिए इसे बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। और इस युद्ध में एक जगह पर यमुना नदी बहती थी और दूसरी जगह पर क्या थी? खाई थी। और इस टाइप का इसने सेप बनाया हुआ था, जहाँ आगे इसके जो तोपची थे वो तोपों को लेके खड़े रहते थे और पीछे सैनिक हुआ करते थे। तो इस पर्टिकुलर नीति को हम क्या बोलते हैं? तुगलमा नीति। और अगर हम बात करें, उस्मानी आर्ट खास तौर पर तोपों को सजाने की एक प्रथा थी, या इसके पर्टिकुलर जो सेना थी वो तोपों को एक सिक्वेंस में जिस तरीके से खड़ा करती थी, उस पर्टिकुलर आर्ट या कला को हम क्या बोलते थे? उस्मानी कला बोलते थे। इसके कुछ फेमस तोपची थी, जिनमें से दो प्रमुख हैं, जिनका नाम है उस्तफा खान और दूसरा है उस्ताज अली। उस्ताज अली और उस्तफा खान इसके दो प्रमुख तोपची हुआ करते थे, जो खास तौर पर जो बाबर की सेना थी उसमें तोपों का जो पूरा कारोबार संभाला करते थे। आगे अगर हम बात करें, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी पर विजय प्राप्त की, यानी पानीपत के युद्ध के दौरान, तब उसने काबुल में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया, साथ ही साथ सिल्वर सिक्के या सिल्वर क्वाइन भी चालू किए। काबुल में इसी पर्टिकुलर जो कॉइन था उसमें, उसे शाहरुखी कॉइन या शाहरुख कॉइन के नाम से हम जानते हैं, और कंधार में जो कॉइन चलाया गया उसे हम बाबरी कॉइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब बाबर ने इस युद्ध को जीता, और जीतने के बाद जो काबुल था, काबुल की जनता को एक एक जो चांदी के सिक्के थे उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए, तब भेंट करने के बाद जो काबुल की जनता थी उन्हें बाबर को एक उपाधि दी, और उस उपाधि को हम क्या बोलते हैं? कालिंदर की उपाधि। यानी कालिंदर की जो उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी काबुल की जनता के द्वारा दी गई थी। और काबुल में काबुल के साथ साथ अब बाबर ने जो था वो इब्राहिम लोधी को हराने के बाद खास तौर पे आगरा पर भी अधिकार कर लिया था, और दिल्ली तो इसके अच्छे अधिकार क्षेत्र में हो ही गया था। तब इसने अपनी जो कैपिटल थी वो कहाँ पर शिफ्ट की? आगरा में शिफ्ट की। आगे अगर हम बात करें, जो आगे युद्ध खास तौर पे बाबर ने जो भारत पर अटैक किए, जिसमें से प्रमुख युद्ध हैं, जो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, यानी यमुना नदी के किनारे जो आया सबसे पहले उसने, या एक ट्रिक के थ्रू हम इसे याद रख सकते हैं कि यमुना नदी के किनारे जब आया तो सबसे पहले उसने क्या किया? पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने क्या किया? खाना खाया। खाने के बाद वो चल गया, यानी वापस चला गया, और चले जाने के बाद वो घर गया और मर गया, यानी घर गया और मर गया, यानी पानीपत का पहला युद्ध था, ठीक है।
खानवा का दूसरा युद्ध था, चंदेरी का तीसरा युद्ध था, घांगरा का चौथा युद्ध था। ये चार प्रमुख युद्ध जो बाबर द्वारा लड़े गए उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। पानी पिया, खाना खाया, वापस चल गया, घर गया और मर गया। यानी इसकी जो डेथ हुई थी वो खास तौर पे 1530 ईस्वी में हुई थी, और 1530 ईस्वी में अगर हम इसकी डेट की बात करें तो दिसंबर में हुई थी, 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। आगे अगर हम बात करें, सेकेंड जो बैटल इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया, खानवा का जो युद्ध था 1527 ईस्वी में लड़ा गया, किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। क्योंकि राणा सांगा ने जो बाबर के साथ कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को इसने पूरा नहीं किया, और पूरा ना करने के कारण बाबर ने राणा सांगा के बीच एक युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध में जो खास तौर पे राणा सांगा जो था उसका साथ दिया महमूद लोधी, जो उस समय पर बंगाल पर रूल किया करता था, और मेदनी राय जो मालवा पर रूल किया करता था। और जो राणा सांगा था वो मेवाड़ का उस समय पर शासक हुआ करता था, जिसे हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में राणा सांगा हार गया, और हारने के बाद बाबर ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? काबुल और कंधार, और साथ ही साथ दिल्ली, और दिल्ली के साथ साथ आगरा, और आगरा के साथ साथ इसने मेवाड़ पर भी अपना अधिकार कर लिया, और इसने अपना जो क्षेत्र था उसको विस्तार करना अब चालू कर दिया। आगे हम बात करें, इसे काजी की उपाधि भी इसने अपने आप को ली थी। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका मानना था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी ये पर्टिकुलर जो युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा का के बीच युद्ध, ये खास तौर पर इस्लाम धर्म को लेके युद्ध लड़ा गया था। और इसका मानना था कि जो काफिरों का ये युद्ध है, और जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं मानता है उसके विरुद्ध ये युद्ध है। और इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, और गाजी का मतलब होता है कलमा, और कलमा का मतलब होता है जो इस्लाम धर्म पे बिलीव करता है। 1527 से 1528 के बीच बाबर ने एक विशेष मस्जिद का निर्माण करवाया, जो काफी विवादित मस्जिद है। काफी समय पर इस पर विवाद चल रहा है, अयोध्या राम मंदिर और बाबर मॉस्क्यू के बीच। तो 1527 से 28 के बीच बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, जो खास तौर पे अयोध्या में है। और इसे बनवाया किसके द्वारा गया था? मीर बख्शी के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? मीर बख्शी के द्वारा बनवाई गई थी। आगे अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया, जिसे हम बैटल ऑफ चंदेरी बोलते हैं, और यह युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया, किसके बीच? बाबर और मेदनी राय के बीच। बाबर और मेदनी राय के बीच जब ये युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में मेदनी राय हार गया, और खास तौर पर जब ये युद्ध लड़ा गया था उस समय बाबर ने पहली बार जौहर प्रथा देखी थी। और इस युद्ध के बाद मेदनी राय की जो दो पुत्रियां थीं उनको अगवा करके बाबर ने उनका विवाह अपने पुत्रों के साथ कर दिया। आगे अगर हम बात करें, आगे का जो नेक्स्ट बैटल लड़ा गया वो बैटल ऑफ घांगरा था, जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच। और मोहम्मद लोधी अगर हम बात करें तो लास्ट सुल्तान हुआ करता है दिल्ली सल्तनत का। खास तौर पे जो लोधी वंश थी उसका लास्ट सुल्तान कौन था? मोहम्मद लोधी। और इस युद्ध में भी मोहम्मद लोधी हारा, और कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो युद्ध लड़ा गया था वो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर ने किसके खिलाफ एक युद्ध लड़ा था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था? तो बाबर और महमूद लोधी के बीच लड़ा गया था, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। आगे अगर हम बात करें 1530 ईस्वी में, जैसा कि डेट आपको मैं कंफर्म ऑलरेडी कर चुका हूँ, 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर का डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद इसको आरामशाह आगरा में दफनाया गया, आरामबाग आगरा में दफनाया गया। और दफनाने के बाद कुछ दिनों के बाद इसका जो कब्र थी उसको खोद कर ले जाने के बाद इसे परमानेंटली कहाँ दफनाया गया? काबुल नामक स्थान पर दफनाया गया, जो इसकी सबसे पहले कैपिटल हुआ करती थी। और बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? काबुल में है। आगे अगर हम बात करें, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, जिसे टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? अकबर के द्वारा लिखी गई है। और इसका दूसरा नाम है बाबर नामा भी इसे हम कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न हुआ करते थे, और इन्हीं 9 रत्न में से प्रसिद्ध थे अब्दुल रहीम खाने खाना। इन अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा इसी पर्टिकुलर तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा को कन्वर्ट किया गया पर्शियन या फारसी लैंग्वेज में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है कि ऑटोग्राफी और बाबर नामा जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबर के द्वारा। किस लैंग्वेज में?
टर्किश लैंग्वेज में, लेकिन इसे पर्सियन या फारसी में कन्वर्ट किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा क्या किया गया था, इसे फारसी में कन्वर्ट किया गया था। तो इस तरीके से आपकी आज बाबर की बायोग्राफी कंप्लीट होती है। आगे की क्लास में इनके एक एक करके जो रूलर थे इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और ख़ास तौर पर अगर हम बता दें तो बाबर के बाद आप हुमायूं पढ़ेंगे, हुमायूं के बाद आप खास तौर पे शाहजहां अकबर पढ़ेंगे, अकबर के बाद आप शाहजहां पढ़ेंगे, फिर जहांगीर पढ़ेंगे, और जहांगीर के लास्ट में जो था वो औरंगजेब था, यानी अंतिम मुगल बादशाह जो माना जाता है मिडविल इंडिया का, वो कौन माना जाता है? औरंगजेब। और उसके बाद जो मुगलों का डाउनफॉल चालू होता है, यानी मुगलों का पतन चालू होता है, और जैसे ही मुगलों का पतन चालू होता है वहाँ से हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो आपकी जो खास तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया है, उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा ताकि जो भी बेस्ट और रिलीवेंट कंटेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे स्टूडेंटों तक पहुँच सके। और हमारा मोटो यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है, यानी वो कंटेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और सिक्वेंशियली हाँ जो ऑर्डर में सारी क्लासेस आपकी डिस्कशन होगी, यानी यहाँ पर जो आप मिडविल इंडिया पढ़ रहे हैं, मुगल काल, और अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य, जिसमें आपका यहाँ तक जो आपकी कंप्लीटली मिडविल इंडिया हो जाएगी, और उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे, यानी हर एक चीज़ आपको सिक्वेंसली प्लस बेल मैनर में पढ़ाई जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।